आज की वीडियो में आप जानोगे कि हाथ में बनने वाली हृदय रेखा क्या दिखाती है। हृदय रेखा दिखाती है हमारे बिहेवियर को, हमारे नेचर को, कि व्यक्ति बहुत सच्चा है या झूठा है, या हमारा दिल कितनी बार लग चुका है, कितनी बार टूट चुका है। ये सभी बातें आज आप डिटेल में सीखने वाले हैं। इस सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो आइए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं हृदय रेखा और बताता हूं हृदय रेखा के क्या सिम्टम्स होते हैं, हृदय रेखा क्या दर्शाती है। हृदय रेखा आपके जीवन में आपकी भावनाओं को दर्शाती है। आप किस तरह के इंसान है, आपको कौन सी आदतें हैं या आपको कौन सी चीजें पसंद हो सकती हैं, आपका नेचर कैसा होगा, आप सच्चे हैं या झूठे, ये सब हृदय रेखा बताती है। अगर आपकी हृदय रेखा ऐसी है यानी कि सीधा गुरु पर्वत तक जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही भावुक इंसान है, दिल से बहुत सोचते हैं और दिल के द्वारा अधिक निर्णय लेते हैं। आप जैसे जातकों का बहुत जल्द किसी से भी बहुत लगाव हो जाता है, किसी के लिए भी आप समर्पण की भावना रखते हैं और बहुत ही तीव्र भावना होती है आपके अंदर। आध्यात्मिक रूप से आप बहुत ज्यादा उन्नति करते हुए मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं, यदि हृदय रेखा आपकी बिल्कुल सीधी गुरु पर्वत तक जा रही हो, यानी कि ऐसी हृदय रेखा हो सीधी गुरु पर्वत तक, यानी कि सेंटर में कोई भी कर्व ना हो, कहीं से सेंटर से झुकी ना हो, बिल्कुल सीधी जा रही हो, तो ऐसे जातक अपने काम से काम रखने वाले होते हैं, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र अथवा अपने करियर में बहुत प्रगति करते हुए देखने को मिलते हैं। भावनाओं को दबाने की आदत आप जैसे जातकों में बहुत होती है। करियर के लिए ऐसे जातक इस लाइन का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है, करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं ऐसे लोग। आर्टिस्टिक फील्ड या फिल्म इंडस्ट्री या कुछ भी क्रिएटिव वाली चीजें, ऐसे लोग उन लाइनों में देखे गए। इसके बाद बात करते हैं हॉट लाइन का मंगल पर्वत की ओर आना, यानी कि हृदय रेखा आपकी ऐसी चल रही है यहां से मुड़कर नीचे की तरफ आ जाए, यानी कि ऐसे जाती है अंदरूनी मंगल की तरफ मुड़ जाए या कोई भी ब्रांच हार्ट लाइन से नीचे की तरफ आ जाए, तो ऐसी रेखा बताती है कि ऐसे जातकों में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा होता है, बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं ऐसे लोग। बहुत जल्दी आवेश में आकर निर्णय लेना या अपनी बात को कहने की आदत रखने वालों में से होते हैं। कुछ भी बात इनके मन में स्पष्ट मुंह पे मार देते हैं सामने वाले के। कभी कभी इसी चीज के कारण इनके रिलेशनशिप बहुत खराब होते हैं, कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब देखी जाती है इन लोगों की, क्योंकि इनमें एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ऐसे लोगों की हनुमान जी की रेमेडी जरूर करनी चाहिए, रेमेडी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें। इसके बाद बात करते हैं हृदय रेखा का मुख ऊपर की तरफ, यानी कि गुरु पर्वत की ओर, यानी कि ऐसी हृदय रेखा और गुरु पर्वत के ऊपर की तरफ मुंह दिखा रही हो, यानी जीवन में कितनी विकट परिस्थिति, यानी कि कितनी भी खतरनाक या कुछ कैसी भी लाइफ हो जाए, तकलीफ अथवा परेशानी क्यों ना हो, हमेशा ईश्वर के शरण में माध्यम में ऐसे जातक कष्टों से निकल जाते हैं। ये जातक वो होते हैं जिनके पास लोग आकर बहुत अच्छा महसूस करते हैं, ऐसे लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं, लोगों को इनके पास आना बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे लोगों के पास जाकर व्यक्ति वैसे ही ऑटोमेटिकली खुश होना शुरू हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं हृदय रेखा नीचे की तरफ झुकी हुई दिखाई दे, यानी कि ऐसे चलती चलती ऐसे नीचे की तरफ झुकती हुई दिखाई दे, तो ऐसे लोग बहुत नकारात्मक होते हैं, यानी कि नेगेटिव सोच वाले ज्यादा होते हैं, भावना एकाग्र नहीं रहती, इसलिए भावनात्मक रूप से तब्दीली बहुत ज्यादा होती है इन लोगों में। कभी कभी ये भी देखा गया, कभी तो ये बहुत ज्यादा हंसेंगे, कभी अचानक से रोने लगते हैं, और कभी एग्रेशन हाई लेवल का, बहुत तेज एग्रेशन भी आ जाता है इन लोगों में। अगर आप में भी ऐसे सिम्टम्स हैं तो इसकी रेमेडी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो जरूर देखें इसको। इसके बाद बात करते हैं हॉट लाइन के ऊपर बनने वाले ट्राइडेंट की, यानी कि त्रिशूल की चिन्ह की। पहली रेखा ऐसी जा रही है, दूसरी ऐसी जा रही है और तीसरी ऐसी जा रही है, ये कहीं से भी आपके हाथ में ट्राइडेंट बनना हॉट लाइन के ऊपर, जिनसे सीधा तात्पर्य है कि आप बहुत सारी भावनाओं को एक साथ लेकर चल रहे हैं। त्रिशूल के चिन्ह को क्या दिखाता है, त्रिशूल का चिन्ह दिखाता है शिव जी की कृपा, शिव जी का आशीर्वाद माना गया। जिनके भी हाथ में यह निशान बनता है ऐसे लोग 100% है कि भोले बाबा को मानते हैं, शिव जी की पूजा उपासना करने वाले होते हैं, शिव जी से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे लोग जो भी कुछ कह दे वो होके रहता है। त्रिशूल के चिन्ह से सीधा तात्पर्य है कि आप बहुत सारी भावनाओं को एक साथ लेकर चल रहे हैं। सर्वप्रथम भाग्यशाली इसलिए रहेंगे कि हर माहौल में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम होते हैं ऐसे लोग। इस तरह के लोगों के साथ कनेक्शन अच्छे रहेंगे। आप कई बार बहुत भावुक इमोशनल हो जाते हैं,
कई बार बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कई बार बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं। यानी कि हॉटलाइन की तीन ब्रांचेस का होने का मतलब कभी तो बहुत इमोशनल हो जाना, यानी कि ऊपर की तरफ जाती दिखाई दे तो ये इमोशनल प्रवृत्ति को दिखाता है, नीचे की तरफ थोड़ी आती हुई प्रैक्टिकल दिखाता है, और अंदरूनी मंगल की तरफ आती हुई दिखाई दे तो ये एग्रेशन को दिखाता है। त्रिशूल का चिन्ह ये दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में कभी भी रुकेंगे या नहीं, कभी भी हार नहीं मानेंगे। लगातार भावनाओं में परिवर्तन होने के कारण जीवन में परिवर्तन देखने को मिलता है, ऐसा जातक लगातार उन्नति के मार्ग पर देखने को मिलते हैं। त्रिशूल का चिन्ह बहुत सारे मायनों में ऊपर की तरफ जाता हुआ मिलेगा, सारी रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक या दयालु हो सकते हैं, सामाजिक कार्य करने या सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि भी हो सकती है, इसलिए समाज में नाम अथवा सम्मान बहुत रहने वाला आप लोगों का। त्रिशूल का चिन्ह हर पर्वत की ओर जा रहा हो, यानी मंगल, शनि और गुरु, यानी कि अंदरूनी मंगल की तरफ, शनि एक ब्रांच ऊपर की तरफ जा रही हो और एक गुरु की तरफ जा रही हो, तो मंगल में जाती है तो व्यक्ति बहुत ऊर्जा रखने वाला होगा, ऊर्जा रहने के कारण हमेशा रोमांचक गतिविधियां करेंगे, कभी भी हार नहीं मानेंगे। और इसी के साथ अगर एक ब्रांच गुरु की तरफ जा रही है तो गुरु की कृपा होने के कारण, गुरु के द्वारा ऊर्जा मिलने के कारण आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे और ज्ञान अर्जित करने में, सुख सुविधा अर्जित करने में और जीवन में खुशियां फैलाने में आपका ध्यान बहुत अधिक देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं, एक ब्रांच अगर शनि की तरफ आ रही है, यानी कि इस माउंट की तरफ शनि की तरफ आ रही है, तो ये क्या दिखाती है? शनि की तरफ आने से या शनि के साथ कनेक्शन होने के कारण धन के विषयों को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक रहेंगे, धन आगमन की स्थिति हमेशा बढ़ती रहेंगी आपकी लाइफ में। और इसके बाद बात करते हैं हथेली में बनने वाले विष्णु चिन्ह की, यानी कि हृदय रेखा चल रही है उसमें से एक ब्रांच या नीचे की तरफ निकल जाए या ऊपर की तरफ कहीं भी निकल जाए, वी का सिंबल आपको वी की आकृति बनती हुई दिखाई दे तो इसको विष्णु सिंबल कहा जाता है। जीवन में कष्टों से ऊपर उठ करके जीवन को बहुत बड़े स्तर पर तब्दील कर देते हैं ऐसे लोग। बचपन बहुत ज्यादा कष्टदायी होता है, भावनात्मक रूप से बहुत कष्ट मिलता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या किसी भी काम को लेकर थोड़ा समय बीतता है तरक्की अपने आप होनी शुरू हो जाती है। विष्णु चिन्ह में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने आप के प्रति ईमानदार रहना, अपने आप के प्रति ईमानदार चलेंगे तो ये साइन बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है, चाहकर भी किसी के साथ बुरा ना करें। ये विष्णु चिन्ह इतनी ज्यादा तरक्की जीवन में देता है, भावनात्मक संतुष्टि और खुशी भी देता है। जिस भी चीज की जरूरत होती है, जैसे कि धन, लग्जरी लाइफ या मित्र या फ्रेंड सर्कल, कुछ भी, परिवार, सुख सुविधा, सब कुछ मिलेगा। पर ध्यान रहे, कभी भी आपको किसी के साथ बुरा नहीं करना। जिसके भी हाथ में विष्णु का चिन्ह बनता है लाइफ में सिर्फ लोगों का भला करते जाए, ऊपर वाला आपका सदैव भला करता रहेगा। कभी भी आपको ये नहीं देखना मैं उसका इतना कर रहा हूं, मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, आपको ये चीज बिल्कुल नहीं सोचनी। वैसे भी विष्णु चिन्ह वाले लोग बहुत ही सच्चे होते हैं, दिल के बहुत ही नेक होते हैं, जिसका करते हैं बहुत दिल से करते हैं। पर ऐसे लोगों को ये भी देखा कि लाइफ में धोखे भी बहुत मिलते हैं, क्योंकि ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं पर अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट देते रहिए, कभी भी रिटर्न में कुछ ना सोचे। और इसके बाद मैं आपको बता दूं जिनकी मैंने रेमेडी बतानी थी, यानी कि हॉटलाइन आपकी ऐसी चलती चलती अंदरूनी मंगल की तरफ आ जाए तो ऐसे लोगों को हनुमान जी की रेमेडीज बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको डेली हनुमान चालीसा पढ़नी है, उसके बाद आपको मंगलवार के मंगलवार गुड़ चना लेकर हनुमान जी को चढ़ा के आना, ये आपको कंटिन्यूस करते रहना है। इससे क्या होगा, आपका एग्रेशन भी कंट्रोल में रहेगा और आपकी लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव है कहीं ना कहीं बहुत कम होनी शुरू हो जाएगी या हनुमान जी की कृपा आप पे बरसनी शुरू हो जाएगी। इतनी रेमेडी करने से आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।